नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है अपने ओरिएंट पेपर का टाइम फ्रेम सेलेक्ट हुआ है मंथली। जैसे कि स्टॉक का प्राइस देखिए ईयर 2003 में यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन किया था, उसके बाद देखिए स्टॉक का प्राइस जब भी इस ब्लू लाइन को टेस्ट किया है हमेशा से डिमांड मिला है। इसका मीनिंग है कि स्टॉक का प्राइस के लिए ब्लू लाइन एक्ट एज ए मल्टी ईयर का सपोर्ट लाइन। एंड एग्जैक्टली देखिए स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे करके उसका मल्टी ईयर का सपोर्ट लाइन के आसपास आ रहा है। अभी हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। अगर वीकली स्ट्रक्चर देखेंगे प्राइस के लिए, देखिए जो रेड लाइन था इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस था, जिस लेवल से देखिए प्राइस को यहाँ पे मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला है। स्टॉक का प्राइस यहाँ पे ईयर 2018 में टॉप ट्रेड करने के बाद देखिए इस लेवल से मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला है एंड उसका इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस देखिए रेंज के अंदर यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। जब भी रेंज का अपर बाउंड्री को टेस्ट किया है मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला है एंड रेंज का लोअर बाउंड्री से मल्टीपल टाइम डिमांड मिला है। एंड इस बार देखिए प्राइस के लिए जो ब्लू लाइन जा रहे हैं मल्टी ईयर का सपोर्ट लाइन जा रहा है, जो की बन रहा है नियरली 41 के आसपास। उसके साथ देखिए यहाँ पे 41 के आसपास एक हॉरिजॉन्टल बाउंड्री भी जा रहा है। प्राइस यहाँ पे इस रेंज के अंदर जो कंसोलिडेशन हो रहा है ना, इस रेंज का लोअर बाउंड्री बन रहा है 41 एंड जो यहाँ पे ईयर 2003 से जो मल्टी ईयर का मोमेंटम लाइन एंड सपोर्ट लाइन चल रहा है वो भी यहाँ पे बन रहा है 41 के आसपास। तो यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट बन रहा है 41 के आसपास। अगर स्टॉक का प्राइस यहाँ पे पुल बैक करके 41 के आसपास आ जाएगा, ये स्टॉक का प्राइस के लिए होगा सबसे लो रिस्क जोन एंड मल्टी ईयर का सपोर्ट लेवल। एंड प्रोबेबिलिटी हाई कि आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 41 लेवल को टेस्ट करने के बाद यहाँ से बाउंस करके लाइफ हाई को ब्रेकआउट कर सकता है, जो कि लेवल बन रहा है नियरली 62 के ऊपर एंड उससे ऊपर भी जा सकता है। अगर आप स्टॉक में एंट्री करना चाह रहे सबसे लो रिस्क जोन बनेगा नियरली 41, अगर है तो होल्ड करना चाहे एंड 41 लेवल सबसे लो रिस्क जोन जो कि मल्टी ईयर का सपोर्ट एंड मल्टी ईयर का डिमांड जोन। अभी क्वेश्चन आ रहा है कि टारगेट क्या बनेगा। जब भी स्टॉक का प्राइस लाइफ हाई के ऊपर चला जाता है जो कि 62 के ऊपर, लाइफ हाई को ब्रेकआउट करने के बाद कोई भी सप्लाई डिमांड लेवल अवेलेबल नहीं होता है, तो पहला टारगेट बनेगा 62 का। सेकंड टारगेट के लिए यूज करेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन, तो 2022 का लो एंड 2018 का हाई, इसी ट्रेंड के ऊपर अभी मैं फिबोनाची को प्लॉट कर लेता हूँ। तो पहला टारगेट लाइफ हाई का एंड जो सेकंड टारगेट बनेगा वो बनेगा 1.600 का फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल 85 का एंड जो थर्ड टारगेट बनेगा वो बनेगा 2.600 का फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल 130। प्रोबेबिलिटी हाई की लाइफ हाई 85 एंड 130 इस तीनों टारगेट को टेस्ट कर सकता है अगर स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 41 लेवल को होल्ड कर लेता है। तो उसी हिसाब से आपका रिस्क वर्क क्वांटिटी को एंड खुद का एनालिसिस को ऐड कीजिएगा। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो FII देखिए शेयर होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज किए हैं, DII डिक्रीज किए हैं एंड पब्लिक के पास 57% माल जो कि थोड़ा सा हायर साइड के ऊपर जो कंसर्न है, लेकिन टेक्निकली 41 का लेवल सबसे लो रिस्क जोन बन रहा है क्योंकि यहाँ पे मल्टी ईयर का डिमांड जोन के आसपास प्राइस एंटर कर रहा है एंड आपका खुद का एनालिसिस को ऐड कीजिएगा। मैं ऐसा करता हूँ, आप डिटेल्स एनालिसिस समझते रहोगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।